नमस्कार, मैं शोभा चौधरी, स्वर गुरु इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज तक जितने वीडियो डाले हैं वह सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य से डाले हैं। कई बातें आज भी सीखते सीखते सिखाते सिखाते ऐसा लगता है मुझे कि इन बातों को अभी से विद्यार्थियों को बता देना चाहिए। जो बातें मैंने बहुत देर से पाई है, बहुत छोटेपन से सीखना प्रारंभ किया, लेकिन गुरु देर से मिलने से यह सारी बातें बहुत देर से मैंने पाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कमियां मेरे में रह गई हैं वो आप में ना रह जाए, इसलिए ये वीडियो लेकर मैं आ जाई हूँ। विशेष वीडियो है, आप ज़रूर इसको आखिरी तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल के बारे में बताएं बाकी विद्यार्थियों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आज का विषय ऐसा है, संगीत सीखने के पहले कौन सी बातें जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, संगीत इस विधा में सीखने से लेकर, शुरू से लेकर परफॉर्मेंस तक जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, उस प्रक्रिया के मैं तीन भाग करती हूँ। एक है, हम अगर गाने वाले हैं तो गला माध्यम को बनाना। माध्यम को बनाने के बाद राग सीखना, रागों की जानकारी इकट्ठी करना, रागों की बंदिशें सीखना, जो कि हर गुरु अपने शिष्यों को सिखाता ही है। तीसरी बात होती है कि जो सीखा है उसको किस तरह से प्रस्तुत करना ताकि वो लोगों को अच्छा लगे। यह जो तीन भाग है, इसमें सबसे पहले भाग के ऊपर ही नज़रअंदाज किया जाता है। कोई भी गुरु, उसके सामने जब शिष्य आता है तो उसको राग सिखाना शुरू कर देते हैं। सा लगाना, सरगम बनाना, शुद्ध स्वरों का अभ्यास करवाना और राग सिखाना, रागों की बंदिश सिखाना, आलाप ताने सिखाना, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा पहला जो भाग है, माध्यम को तैयार करना, यह रह जाता है, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि आज इतने सालों की साधना के बाद भी मैं ये महसूस करती हूँ कि माध्यम बनाने का जो पहला अभ्यास है वो अगर प्रॉपर वे से नहीं किया तो गले में बहुत सारी कमियां आती हैं। तीसरा भाग है परफॉर्मेंस का, उसके लिए बहुत ही अच्छी रागों की तैयारी, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन सबसे पहले जो ये पहला पार्ट है माध्यम बनाने का, यह जो मैं बहुत छोटेपन में नहीं कर सकी, आप लोगों को अभी बता देना चाहती हूँ कि इसके तरफ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, वह आप करिए। और इसलिए इस विषय के कुछ वीडियोस लेके मैं नेक्स्ट एपिसोड में आ रही हूँ। आपको अगर ये मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में, क्योंकि जो जानकारी मैंने पाई है, देर से पाई है, देर से मिली है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ही बच्चों को बता देना चाहिए ताकि उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो, जल्दी कैचिंग हो, जल्दी उनका प्रोग्रेस का ग्राफ बनता चला जाए। और इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आज बनाया है। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ माध्यम को कैसे तैयार करना। नमस्कार।